खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययन शालाओं के पास करोड़ों रुपए की लागत की जमीन है। जमीन पर बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है, जिसके कारण कई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रसूखदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कमेटी के अनूप शुक्ला और तेज प्रकाश राणे के नेतृत्व में कांग्रेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना था कि अवैध कब्जे को हटाया जाए और सन 2000 में जारी हुए नक्शे को सार्वजनिक किया जाए, ताकि मामले की जाँच और कार्रवाई हो सके। अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड परिसर के अंदर कल जैसे कि एक शिव मंदिर को ढूंढने का प्रयास किया गया था, उसी दौरान हमारे साथियों द्वारा वहाँ पे ये भी देखा गया कि वहाँ पे कई अवैध निर्माण किए गए हैं। उसी के लिए आज माननीय कुलपति जी को राज्यपाल जी के नाम का ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग करी गई कि जिन लोगों ने भी वहाँ अवैध कब्जे किए हैं उन अवैध कब्जों को हटाया जाए और साथ ही विश्वविद्यालय की जो जमीन है उससे मुक्त करवाया जाए। इस संदर्भित विषय में रेणु जैन जी को हमारे द्वारा जहाँ पे ज्ञापन दिया, क्या कहा गया? उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र ही आप वहाँ पर कार्रवाई करूँगी, इसी मीटिंग जो होगी उसके अंदर ये बात रखूँगी। और हमारे द्वारा ये कहा गया कि सन 2000 के अंदर जो नक्शा यहाँ पे तत्कालीन कुलपति आदरणीय भरत छापरवाल जी के दौरान यहाँ पे जो इसका सीमांकन हुआ था, वो सीमांकन वाला नक्शा आप प्रेषित करें और उसके माध्यम से हम ये सारी बात जो है शासन प्रशासन को भी अवगत कराएंगे और वहाँ का अवैध जो कब्जे हुए हैं उन कब्जों को हटाने में बात। मैं अनूप शुक्ला, भाई तेज प्रकाश राणा और हिमांशु यादव कटपे यादव जी के साथ ज्ञापन।